अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाने लगी हूँ। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी बैठी थी। इसे कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या दिखती है कि कौवा बैठा है और वो खाना खा रहा है। उसके मुंह में रोटी के टुकड़े हैं। उसने कौवे के मुंह में रोटी के टुकड़े देखे तो बहुत ज्यादा खुश हुई और सोचने लगी, इसे मैं किस तरह से ये लूं। तो उसने एक तरकीब सोची। वो कौवे की तारीफ करने लगी। कौवे से कहने लगी, भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। तुम चाहे रावी में नहाओ या जहलम में, तुम्हारा रंग एक ही जैसा रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी ज्यादा मीठा। तुम्हारा गाना सुनने को तरस रही हूँ मैं, प्लीज गाना गाकर सुनाओ। कौवे ने इसकी बातें सुनी। कौवे को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। कौवे ने सोचा, मैं इसे गाना सुनाता हूँ। तो जैसे ही गाना सुनाने के लिए कौवे ने अपनी चोंच खोली तो रोटी के टुकड़े उसके मुंह से गिर गए और लोमड़ी ने वो उठाकर खाना शुरू कर दिया। कौवा बेचारा उसका मुंह देखता रह गया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता तो है लोमड़ी बहुत ही ज्यादा चालाक जानवर है और अपनी मीठी मीठी बातों से वो बेवकूफ बना लेती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।